दीवार को लगाकर ना जाए इसके पीछे चलते वाले बाथरूम बना रहे। 8 दिन से मुझसे मंजिश की नुमाइंदगी के ऊपर वो काम रुका रहे हैं और यहाँ पर आज मैं सदर मुहतरम नकीब मिलत आज राष्ट्रपति साहब की हिदायत के ऊपर वक्फ बोर्ड में यहाँ पर हम नुमाइंदगी करने आए। मगर बहुत अफसोस की बात है, चेयरमैन साहब इतना सीरियस इशू है जो कि लोगों गजीदार कब्रस्तान को दीवार को लगाकर पेशाब खाना बनाकर खबरों में पेशाब और गलीब चीज़ें कब्रस्तानों में जाने की वजह से आज से 2018 में सदर मुहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर वहाँ के बाथरूम तोड़ा गया। फिर आज वहाँ पर काम चल रहा और वक्फ बोर्ड बिल्कुल खामोश है और ऐसी नींद में चेयरमैन साहब सो रहे हैं और वक्फ बोर्ड का अमला सो रहा है। 8 दिन से आज तक जाकर कंसर्ट GHMC को और कंसर्ट PS को जाके कोई वक्फ बोर्ड की तरफ से कंप्लेंट किया नहीं गया है। मैं यहाँ पर आज सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर जब मैं यहाँ पर आया मेमोरेंडम देने के लिए तो अफसोस की बात है चेयरमैन साहब नहीं मिलते। CEO साहब से बात कर लो बोलते, CEO साहब बोलते कि हमारी जगह पे नहीं है, वो हमारे मुकाम पर नहीं है, बोल के ऐसा एक नाहेली की बात कर रहे हैं और बहुत अफसोस की बात है। जब आपके घर के सामने चेयरमैन साहब के घर के सामने चेयरमैन साहब की होटल के सामने कोई लाके बाथरूम बनाया तो चेयरमैन साहब खामोश बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते। मगर यहाँ पर आले उदे पर बैठ के चेयरमैन साहब खाली गुंडागर्दी दादागिरी, मैं उसको अंदर डला देता हूँ, इसको अंदर डला देता हूँ, वो मुतवली को अंदर डला देता हूँ, ये इनको अंदर डला देता हूँ बोल के खाली बयानबाजी कर रहे, मगर प्रैक्टिकल में कोई काम नहीं हो रहा। और ये बहुत अफसोस की बात है, बीच बाजार में GHMC वाले पुलिस का सहारा लेकर वहाँ पर काम कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड का अमला स्पॉट पर जाके जॉइंट सर्वे नहीं कर रहा 8 दिन से और PS में जाके कंप्लेंट नहीं कर रहे और GHMC में जाके कंप्लेंट नहीं कर रहे, जूं तक नहीं दौड़ रही ये लोग के कान पे और बड़े बड़े बातें बड़े बड़े दावे मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा। चेयरमैन साहब ये नहीं चलेगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये बयानबाजी को आपके बर्दाश्त नहीं करेगी, इसका सबक आपको हम बराबर सिखाएंगे। हमारे इबादतगाह हो या हमारे कब्रस्ताना हो या हमारे दरगाह हो उसको तहफ़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करते हुए ही है, आगे भी हमारे सदर मोहतरम करेंगे। और इस काम का मैं यहाँ पर आया हूँ और बहुत अफसोस के साथ भी कहता हूँ कि इतना बड़ा इशू है कब्रस्तान में एक बाथरूम बनाया जा रहा है उसके ऊपर चेयरमैन साहब चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं? 8 दिन से आपकी जबान को लकवा मारा या आपकी जबान को कोई सीधी है या आपके मुंह को कोई सीधी है, आप क्यों जबान नहीं खोल रहे? आपको जवाब देना बहुत ज़रूरी है और कल तक वहाँ पर काम नहीं रुकूंगा तो मैं सदर मोहतरम को रिपोर्ट दूंगा और सदर मोहतरम की इजाज़त के ऊपर वक्फ बोर्ड का घेराव किया जाएगा और यह चेयरमैन का घेराव।